राहुल गांधी के का भय है। अब देखिए, दो साल की जो सजा है, दो साल खत्म होगा, उसके बाद जो प्रावधान है उसके हिसाब से 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कितनी बड़ी साजिश है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के बाहर जो है किस तरह से रखा। तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है, और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वो बौखलाहट में निभाया है। इसका एक फायदा ये हुआ है कि तमाम विपक्षी दल जो पहले कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, आज वो इस मामले में सब लोग एक साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी हों या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल हों, के सब के सब लोग इस मामले में एक फ्रंट पर आ गए हैं। ये एक उपलब्धि है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब फैसला होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनडी न्यूज, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। क्या राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई और उसी षड्यंत्र का हिस्सा था कि राहुल गांधी को पहले सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई और आनन फानन में उनकी लोकसभा की सदस्यता 24 घंटे के भीतर खत्म कर दी गई। यही नहीं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट से खारिज नहीं होता है तो अगले 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मोदी सरकार के इस कदम की चारों ओर आलोचना हो रही है, तमाम विपक्षी दलों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को, साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई। देखिए, जानबूझ करके किया गया है ये 2 साल की सजा, जो माने क्रिमिनल कंटेंप्ट का केस है, माने भारतीय इतिहास में किसी को 2 साल की सजा नहीं मिली। ये पहली मर्तबा है कि किसी को 2 साल की सजा मिली। मैक्सिमम सजा है 2 साल का, और देखिए किस तरह का ये जोड़ है कि मिनिमम सजा 2 साल जिसका होगा उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो मैक्सिमम यहाँ 2 साल का है, मिनिमम वहाँ 2 साल का है। और अभी 20 दिन पहले हाई कोर्ट जो प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में स्टे किए हुए था उसको उसने ओपन किया और 20 दिन में ये फैसला हो गया। तो ये जानबूझ करके नियोजित ढंग से ये किया जा रहा है, ये साबित हो रहा है कि किस ढंग से लोकतंत्र को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी के का भय है। अब देखिए, 2 साल की जो सजा है, 2 साल ख़त्म होगा, उसके बाद जो प्रावधान है उसके हिसाब से 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कितनी बड़ी साजिश है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के बाहर जो है किस तरह से रखा गया, ये अस्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा जो केस है वो जानबूझ करके एकदम प्लान करके माने इस तरह की सजा जो है दिलवाई गई है। लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ है कि तमाम विपक्षी दल जो पहले कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, आज वो इस मामले में सब लोग एक साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी हों या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल हों, के सब लोग इस मामले में एक फ्रंट पर आ गए हैं। ये एक उपलब्धि है, और हम ये मान कर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको देखेगा। जिस ढंग से ये कार्रवाई हुई है इसी में साजिश का गंध आ रहा है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा। और सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि ये नहीं टिकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में टिक भी गया तो जनता जो है सड़क पर उतरेगी। सब लोगों ने ये तय किया है, और हम ये मानते हैं कि बगैर जन आंदोलन के, आप देखिए कि इजराइल में यही हो रहा है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से अपने कब्जे में रखा जाए, इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री जो कानून बनाने जा रहा है, बनाने के का प्रस्ताव है, वो पूरा का पूरा इजराइल जो है सड़क पर उतरा हुआ है। ये स्थिति है। इसके पहले जो है पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ साहब के सामने जो चीफ जस्टिस वहाँ के थे उनको हटाया गया, जनता सड़क पर उतरी और फिर से उनको बैठाना पड़ा जनता के दबाव में चीफ जस्टिस से कुर्सी पर। यहाँ भी ये स्थिति जो है धीरे धीरे बन रही है, और उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगा क्या साजिश हुई है। और दूसरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये संदेश है कि अगर सब अलग अलग रहे
लड़ते रहे तो सबका जो भविष्य है वो क्या होने वाला है दिखाई दे रहा है। तेजस्वी भी, तेजस्वी को लगता है सर कि क्या सजा, अब वहाँ तो गए हैं बातचीत के लिए तो बुलाया है सर। तेजस्वी ने तो चुनौती दिया था, क्या नाम है, सीबीआई को और ईडी को अंगूठा दिखाया था और कहा था कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपने हमारे यहाँ जो तलाशी किया उसमें क्या आपको मिला बताइए, सीजर लिस्ट जो है क्या है उसको उजागर कीजिए। तो ये तो साफ तेजस्वी ने चुनौती दिया, तो इसलिए हमको कहीं से इसमें लगता नहीं है, बुलाया गया है, कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप उनके यहाँ जाइए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में वो वहाँ गए हैं, शाम तक पता चलेगा क्या उसका फलाफल निकला। 74 का आंदोलन मानते सर कि फिर से होने की स्थिति पैदा हो रही है, 74 के आंदोलन सर फिर से देश में पैदा होने की स्थिति है, इस दौर को क्या कहेंगे? देखिए 74 आंदोलन अपनी जगह पर है, हर आंदोलन जो है अपने ढंग से अपना जो स्क्रिप्ट है वो लिखता है, 74 के आंदोलन ने अपने ढंग से अपना स्क्रिप्ट लिखा, वहाँ जो है जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला, यहाँ अभी किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व का कोई स्पष्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ सामूहिक नेतृत्व जो है इस ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी गुंजाइश जो है दिखाई दे रही है। तो हमको ऐसा लग, यहाँ भी जो पहले मैंने इनके साथ नहीं थी, राहुल गांधी के समर्थन में नहीं थी, राहुल गांधी के समर्थन में नहीं बल्कि लोकतंत्र की जिस जंग से हत्या हो रही है, राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करके सब लोग एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं और एक सामूहिक आंदोलन की संभावना जो है साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में, बौखलाहट और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है, कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब वो फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है, और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वह बौखलाहट में निभाया है, वो हताश हो चुके हैं, जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है, लेकिन वो चिंता नहीं करें, इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब ले। तेजस्वी यादव जी के बारे में भी वही हो रहा है, आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया, लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे। 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का और कार्रवाई करने लगे, तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना, तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दल, 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए।
और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई का। आपने इमरजेंसी का भी दौर देखा है, अब इस दौर में कैसा कहेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। सर बीजेपी ने सर एसी है लापू समीकरण को सर तोड़ने के लिए छोड़िए ना, उनको जितना मन करे कोशिश करते रहे। 2015 में बहुत कोशिश किया था उन लोगों ने, समीकरण की बात छोड़ दीजिए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे 2014 में, और 2015 में बिहार विधान का सभा का चुनाव हुआ, 42-43 मीटिंग उन्होंने किया और 53 को सीट लाए थे। तो इसलिए जितना समीकरण उनको जोड़ना है जोड़ते रहे, बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान चुकी है, समय पर एक एक हिसाब उनसे चुकता कर। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है लौटाना पड़ेगा, सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, वो भी कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अरे सुशील मोदी जी बेचारे परेशान हैं कि कुछ मिल जाए, कहीं इसी बजट सत्र के बाद कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि शुभकामना है, बन जाइए ना कुछ।